हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिम वी लाइफ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनको भी फ़ायदा बेनिफिट्स मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि रात को सोने से पहले कौन से आसन करें जिससे आपकी कमर की फैट, लोअर एब्डोमेन की फैट जल्दी से जल्दी दिनों में ही रिड्यूस हो और आपको बेनिफिट फ़ायदा दिखाई दे आपके ही शरीर में। तो दोस्तों, पहली बात, खाना जो है डिनर है वो रात को 7 बजे से पहले कर लें। 7 बजे के बाद 2.5 घंटे के बाद ये आसन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सीधा चलते हैं उन एक्सरसाइजेस, उन आसना के पास जो करने से आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने वज्रासन करना है। सिर्फ 3 मिनट आपने सीधा ऐसे बैठना है, घुटनों को मोड़कर एड़ियों के ऊपर आपने बैठकर स्पाइन को स्ट्रेट कर लेना है और आंखें बंद, आपका मन जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा, विचारों को आपने बंद कर देना है, इससे आपकी नींद भी अच्छी होगी और धीरे धीरे स्लो इनहेल एक्सहेल आपने करना है, धीरे धीरे सांस, लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड स्लोली लॉन्ग एंड डीप इनहेल एक्सहेल। सांस को धीरे धीरे और लंबा सांस अंदर खींचना है और धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस बाहर को छोड़ना है। तो दोस्तों, ये वज्रासन फर्स्ट ये आसन करेंगे, इससे क्या होगा, आपके विचार, आपका मन शांत होगा, डीप स्लीप आएगी। डीप स्लीप जब आती है तो आपकी बॉडी की रिपेयर होती है। तो सेकंड आसन जो है वो आपने बटरफ्लाई करना है। बटरफ्लाई करके आपने बिल्कुल ऐसे ओपन स्ट्रेच, दीवार का आप सहारा ले लें, अपनी टेल बोन, शोल्डर और हेड, ऐसे अगर आप बॉल का सहारा लेंगे तो आपको आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच और सीधी हो जाएगी। और ये आपने स्ट्रेच किया और ये आपने ऐसे क्लोज कर लिया, घुटनों को ऐसे जोड़ना है। जोड़ने के बाद फिर आपने इसको स्ट्रेच किया, फिर आपने इसको बंद किया, फिर आपने ओपन किया इस जॉइंट को, हिप जॉइंट को, फिर आपने क्लोज किया। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जितने भी आपकी हिप जॉइंट की प्रॉब्लम है, वॉकिंग आपकी अच्छी होगी। अगर आप एज्ड हैं, खांसी करते हुए या चलते फिरते यूरिन मिक्चुरेशन है, पास यूरिन पास हो जाता है, अगर जोर से आपको छींक आ गई, खांसी आ गई, क्योंकि आपके पेल्विक रीजन के मसल्स लूज होते हैं, तो उससे क्या होता है, पेट ज़्यादा बड़ा हो जाता है और यूरिन ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, यूरिन ब्लैडर के जो मसल्स हैं, यूरिथ्रा के मसल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं, तो यूरिन धीरे धीरे कुछ ड्रॉप 5-10 ml या कुछ ड्रॉप ऐसे ही निकल जाते हैं, उसे मेडिकल टर्म में यूरिन मैच्योरेशन कहते हैं, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो आपने ऐसे 20 रेपिटेशन कर सकते हैं, ऐसे आगे नहीं होना, आगे होंगे तो अगर जिनको सर्वाइकल है वो सर्वाइकल बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग या यूट्यूबर ऐसे ही बता देते हैं ये ऐसे है तो शोल्डर आपके ऊपर चलेगी, तो करना क्या है, अगर आप ऐसे बंद करते हुए आपको दीवार तंग कर रही है, आप थोड़ा सा आगे आ सकते हैं और स्पाइन को आपने स्ट्रेच करके रखना है और ऐसे इसको, अगर आप सीधा ऐसे बैठ सकते हैं तो फिर आपने इसको पकड़ना है जोर जोर से, आपने थाइस को, ये देखिए आवाज आ रही है, ऐसे फ्लोर पे थाइस को मारना है। ये होगी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज, आपने वॉल का सपोर्ट लेना ही लेना है। डीप इनहेल किया, आर्म्स को आपने ऊपर किया और ब्रीथ आउट करते हुए आगे गए, अपने हाथों के साथ वॉकिंग की, चिन आपकी अप रहेगी, फॉरवर्ड बैंड जाना है, अपनी नेवल, अपनी अम्बिलिकस है उसको नीचे लेके जाना है, ये ना हो कि आप चेस्ट को ऐसे नीचे ले जाएं। अगर ऐसे लेके जाएंगे तो जिनको डिस्क प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, बैक पेन पड़ जाएगी। अगर आप
आप करते हैं, अगर आपको सर्वाइकल है तो चेन थोड़ी सी डाउन कर लें, मगर स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए आपने अपनी नेबल को नीचे लेके जाना है। जब आपकी नेबल नीचे चलेगी, चेस्ट आपकी फुट को टच करके, फिर आप वो हेड डाउन कर सकते हैं, चिन को डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे आप जोर जोर से बाउंस करना है अपनी बॉडी को, जोर से तो करना है अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट है। अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, आपको दिक्कत है, तो आप यहीं स्टे करें। बस स्पाइन को स्ट्रेच किया, चिन आप आर्म्स स्ट्रेट एंड वॉकिंग करते हुए 45 डिग्री पर आपकी आर्म्स होंगी और आपने आगे को बेंड हो जाना है। तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज होगी। और फोर्थ एक्सरसाइज, आपने सुखासन में चौकड़ी लगाकर ऐसे बैठ जाना है, सीधे स्पाइन को स्ट्रेट करना है, आर्म्स को स्ट्रेट किया, आर्म्स बिहाइंड द ईयर, डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए आपने आर्म्स को फिर आगे लेके गए और धीरे धीरे हल्का हल्का चेस्ट को बाउंस करना है। यहाँ आपकी जो नेबल है वो शिन बोन पर, लेग्स पर, काफ मसल्स पर टच कर जाएगी और आपने चेस्ट को नीचे लेके जाना है। ये ना हो आप ऐसे करें तो बटक आपके लिफ्ट हो जाएंगे, बटक लिफ्ट नहीं होने चाहिए। जो बटक बोन है वो फ्लोर और बटक बोन का कनेक्शन खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज हो गई, आसना हो गया। और फिफ्थ, आपने सुखासन में ही आपने पहले अपने लेफ्ट एंकल को पीछे ले जाना है, लेफ्ट फुट को पीछे ले जाना है और जो लेफ्ट नी है वो बिल्कुल आपके नेबल के सामने, नाक के सामने आ जाएगा। और राइट को आपने इसको क्रॉस कर देना है और इस फुट को भी आपने बटक की ओर पीछे ले जाना है। डीप इनहेल करते हुए आगे जितना जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके ग्लूट मसल्स, हिप जॉइंट भी फ्लेक्सिबल होगा, बैक मसल जिनका रेस्टलेस रहता है, बैक रेस्टलेस रहती है, वो भी इससे ठीक होगी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, खट्टे टिकार, बर्निंग सेंसेशन, ये चीजें भी आपकी ठीक होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा। फिर आपने दूसरी साइड राइट फुट नीचे जाएगा और लेफ्ट फुट मैक्सिमम इधर को जाएगा और इससे आपका वॉकिंग पैटर्न भी ठीक होगा। डीप इनहेल, ब्रीथ आउट करते हुए आगे जाए, यहाँ 20 काउंट करें धीरे धीरे, ब्रीथ नॉर्मल, इनहेल एक्सहेल, मन को शांत रखें और 20 काउंट करने के बाद फिर स्पाइन को सीधा करते हुए सीधा बैठ जाए। तो इससे जो आपके पैर हैं, काफ मसल्स हैं, पूरी लेग है जो रेस्टलेस रहती है, थकावट रहती है, वो भी ठीक होगी। तो इसके बाद लास्ट सिक्स्थ जो एक्सरसाइज है, जो आसना है, आपने दीवार का सहारा लेना है, बटक बोन फ्लोर पर, टेल बोन वॉल के साथ, अपर बटक वॉल के साथ, स्पाइन वॉल के साथ, हेड वॉल के साथ जाते हुए लेग्स मैक्सिमम जितनी ओपन कर सकते हैं वो कर लेना है। करने के बाद हील पुश फॉरवर्ड, टो पुश बैकवर्ड, नी बिल्कुल स्ट्रेट। जिन लोगों को बैक पेन है वो बैक पेन भी ठीक होगी, स्लिप डिस्क है, अगर लंबर से सेंट्रल वर्टिब्रा L1 से S5 एंड वर्टिब्रा में कोई भी वर्टिब्रा कंप्रेशन में है वो भी ठीक होगा, अगर आप इन बातों को ध्यान से देखेंगे, अगर करेंगे। स्पाइन में ये ना हो, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, शोल्डर ड्रॉप करते हैं, नेक आपकी, हेड आपका आगे है, हेड आपका कैसे होना चाहिए, बिल्कुल वॉल की, आपकी स्पाइन हिप बोन की बिल्कुल इन वॉल लाइन 90 डिग्री, हेड और हिप जॉइंट। फिर आप ऐसे अगर करते हैं, स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए, हेड को स्ट्रेच करते हुए, अगर आप अपना हाथ भी ये ऐसे स्ट्रेच किया, आपका अपर बटन टेल बोन स्पाइन हेड वॉल के साथ है, ये आपका अंगूठा वॉल के साथ है, और देन आप अपनी
अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए ऐसे 20 बीच दें तो वो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप ऐसे करते जाएंगे ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे कर देते हैं, इससे क्या होगा, यहाँ खिंचावट तो आ रही है मगर आप अपनी स्पाइन को इंजन कर रहे हैं। जिनको बैक पेन है वो बैक पेन बढ़ जाएगी, फिर आप कहेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे या एक्सपीरियंस्ड योगा ट्रेनर के पास जाएंगे, हमको तो 5 साल हो गए, हमको तो 10 साल हो गए, आप चाहे 20 साल योगा करो बेनिफिट नहीं होगा। तो करना क्या है, स्पाइन को स्ट्रेट किया, दीवार का सहारा लिया जो बिगनर्स है, और सारा शरीर अपनी टेल बोन से लेके अंगूठे तक पाँव के साथ ही रहे और यहाँ जाकर यहाँ गेम लगाए, ऐसे ही लेफ्ट साइड यहाँ पहले अपनी स्पाइन को स्ट्रेच किया, अलाइन कर लिया, देन गो बेंड लेफ्ट साइड। अब वैसे मैं राइट साइड हूँ, मैंने राइट साइड से शुरू करना चाहिए और स्पाइन को स्ट्रेच करना है। तो दोस्तों ये थी वीडियोस आसना इंफॉर्मेशन। शाम को, रात को सोने से पहले आप कौन से आसन करें, कौन से एक्सरसाइज करें, जिससे आपको दिनों में ही बेनिफिट हो। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछें, और वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे